वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहां पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी की अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी एक एक तो हाँ, की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगी त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली UH, एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लिदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। स्टार्ट किया गया गया स्टार्ट है या नहीं इस चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स तो वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले दे, और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहां पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड एंड अभी फाइनली ये कहां पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगा रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहां पर मैं नेम बता देता हूं सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिकार रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुर पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहां पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया स्टार्ट किया गया है या नहीं चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल दो पच्चीस में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बना गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाक़ी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पेक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को को डेफिनेटली इस मूवी एक मर्तबा, एक चांस देना चाहिए आप आप लोग एक चांस चांस देंगे तो आप लोगों का ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिकार रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस की क्या है और बता दूं कि ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो, तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज़ की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हां साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहां पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहां पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग लोगों को डेफिनेटली हाँ। इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिकार रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहां पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस की रेटिंग क्या है और बता दूं प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई एम डी बी रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज़ की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हां साल 2025 में एक आने वाली मूवी के, के बारे में हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहां पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों तो से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर yeah. एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी एक एक तो की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिकार रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुर भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी तो यहां पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस की क्या है और है तो है प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स तो वाई ना इसकी आई एम डी बी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई एम डी बी रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल दो पच्चीस में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर, पर, पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बना गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में जहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है थि थिय। हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप आप लोगों लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी एक एक तो की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिकार रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहां पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड और, है और है तो है प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हां साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहां पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट ट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोग लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी एक एक तो की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुर भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहां पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह

भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज़ की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हां साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहां पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है तो कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोग लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी एक एक तो की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहां पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी। बाकी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, और बात करते हैं कि इस मूवी है है तो को, है है को अभी रिलीज नहीं किया गया तो, तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी

इन्फ़ॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुज़ारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोग लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुरभी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस की रेटिंग क्या है और है तो है प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानव से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी

हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉमे हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी की अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोग लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुरभी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत, बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लिदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस की आप लोगों को बता प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो, तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल दो पच्चीस में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इंफॉर्मेशन हम लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बना गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारे इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक तो का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुरभी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहां पर मल्लिदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और आप लोगों को बता प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहां पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी की अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक तो का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुरभी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लिदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को एक मरतबा की गई है, आप इस को है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। स्टार्ट किया गया गया स्टार्ट है या नहीं इस चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स तो वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानव से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज़ की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहां पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड एंड अभी फाइनली पर किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहां पर मैं नेम बता देता हूं सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी की अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को को डेफिनेटली इस मूवी एक मर्तबा, एक चांस देना चाहिए आप आप लोग एक चांस चांस देंगे तो आप लोगों का ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगी त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ तो 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 पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो, तो, तो यहाँ तो पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। स्टार्ट किया गया गया स्टार्ट है या नहीं ये चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल दो पच्चीस में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बना गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मर्तबा, एक एक चांस चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिकार रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुर भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक, एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की, की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया किया गया स्टार्ट किया गया स्टार्ट है या नहीं इस चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स तो वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हां साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहां पर, पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहां पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहां पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को को डेफिनेटली इस मूवी एक मर्तबा, एक चांस देना चाहिए आप आप लोग एक चांस चांस देंगे तो आप लोगों का ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिकार रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहां पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस की क्या है और बता दूं प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स तो वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज़ की जाएगी और ये प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हां साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहां पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहां पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिकार रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुर भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहां पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहां पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की IMDb रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया स्टार्ट किया गया है या नहीं चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो, तो दैट्स वाई ना इसकी आई एमडीबी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई एम डी बी रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज़ की जाएगी और ये प्योर तेलुगु ज़ुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हां साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहां पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट ट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज़ की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई चांस जी हाँ यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिकार रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुर भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये, ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहां पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड और, है और है तो है प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स तो वाई ना इसकी आई एम डी बी रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई एम डी बी रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी तो देखने, देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हां साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहां पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहां पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट हम लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोग लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी एक एक तो की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिकार रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुर भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी। बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और मूवी है है तो जो है, वो हिंदी जुबान की है इस को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कम्प्लीट ट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोग लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी एक एक तो की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुर भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस यह मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं, हैं है है तो है प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी

ट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज़ की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फ़ाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोग लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुरभी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी। बाकी के साथ हम आगे बढ़ते हैं आप लोगों को बता प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज़ नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी

इन्फ़ॉमेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवालत के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोग लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरत एक चांस 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 देना चाहिए आप आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ हा, यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और, है और है तो है प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानव से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी

हम लोग पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहाँ पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉमेसन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहां पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए कास्ट कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी अशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुरभी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहां पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके है। ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी जाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कि इस की आप लोगों को बता प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो, तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है आप लोगों को यहाँ पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग यहां पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इन्फॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहे उनको भी ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी के अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला सुरभी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहां पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। स्टार्ट किया गया गया स्टार्ट है या नहीं चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो, तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वेल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फ़ैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज़ वग़ैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी तो 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 तुछ 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 के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल 2025 में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कम्प्लीट इंफॉर्मेशन आप लोगों को यहां पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि यह मूवी बेसिकली किस तरह की बनाई गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीजों के बारे में यहां पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहां पर मैं नेम बता देता हूं सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी की अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक तो का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगी त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे चे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभाकर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफ़ी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लिदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी दिखें है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूजर्स की जानी से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। स्टार्ट किया गया गया स्टार्ट है या नहीं इस चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स तो वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानी से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीजें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी वल तो जी अगर आप लोग भी चिरंजीवी के फैन हैं आप लोगों को चिरंजीवी की मूवीज वगैरह देखना पसंद है या फिर आप लोग कुछ ऐसी मूवीज़ देखते आए हैं आप लोगों को ऐसी मूवीज़ देखना पसंद है जिसके अंदर आप लोगों को एक्शन भी देखने को मिले फैंटेसी देखने को मिले और उसी के साथ साथ एडवेंचर भी देखने को मिले और भी बहुत कुछ आप लोगों को एक ही मूवी के अंदर देखना पसंद है तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो पर हैं यहाँ पर आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं आप लोगों के सामने रिलीज़ हो चुकी एक बहुत ही प्यारी मूवी के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं जी हाँ साल दो पच्चीस में एक आने वाली मूवी के बारे में हम लोग यहाँ पर आज की, आज की इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एक अपकमिंग मूवी के बारे में यहाँ पर हमारी आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन होने वाली है कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन आप लोगों को यहाँ पर आज की इस वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी क्योंकि वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो आज की इस वीडियो में हम लोग इसी मूवी के बारे में डिस्कशन करेंगे कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन हम लोग यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे कि ये मूवी बेसिकली किस तरह की बना गई कहाँ पर रिलीज की गई किस लैंग्वेज में रिलीज की गई एंड अभी फाइनली ये कहां पर एंड किस लैंग्वेज में अवेलेबल है स्पेशली ये यूट्यूब पर अवेलेबल है या नहीं तो इन तमाम चीज़ों के बारे में यहाँ पर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इन तमाम सवाल के जवाब आप लोगों को आज की इस वीडियो के अंदर होने वाली सारी की सारी इंफॉर्मेशन हम लोग प्रोवाइड करने वाले हैं तो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है आप लोगों से गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक लाजमी से देखिएगा और हमारी इस वीडियो को एक लाइक करके अपने दोस्तों के साथ लाजमी से शेयर भी कर दीजिएगा ताकि वो भी ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो से आगाह रहें उनको भी ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन मिलती रहे तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है तो यहाँ पर मैं नेम बता देता हूँ सबसे पहले कि इस मूवी का नेम क्या है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर डिस्कशन करने वाले हैं तो इस मूवी की अगर हम नेम की ही बात करें तो इस मूवी का नेम है जी बहुत ही एक अच्छा सा नेम रखा गया है विश्वम भरा इस मूवी का नेम है जो कि काफ़ी अच्छा नेम है एंड आई थिंक आप लोगों को इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना भी चाहिए क्योंकि काफ़ी अच्छे से ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की जा रही है बाकी उसी के साथ कास्टिंग की बात की जाए कि इस मूवी की कास्टिंग में हमें कौन कौन से एक्टर्स देखने को मिलेंगे क्योंकि कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले कर रही होती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज़ के लिए कास्टिंग काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट क्रिएट करती है तो यहाँ पर इस मूवी की कास्टिंग में भी हमें बहुत सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स तो देखने को मिल ही जाएंगे जिन्होंने अपना किरदार बहुत बखूबी निभाकर कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक 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 चांस चांस देना चाहिए आप लोग एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा जी हाँ यहाँ पर इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने कास्टिंग में देखने को मिलेंगे चिरंजीवी देखने को मिलेंगे त्रिशा देखने को मिल जाएंगी मीनाक्षी चौधरी देखने को मिलेंगी आशिका रंगानाथ देखने को मिल जाएंगी ईशा चावला भी पौराणिक और भी उसी के साथ साथ आप लोगों को और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स जिस तरह से कुणाल कपूर देखने को मिलेंगे और भी काफ़ी सारे अच्छे अच्छे एक्टर्स इस मूवी की कास्टिंग में देखने को मिल जाते हैं जिन्होंने अपना किरदार बहुत ही बखूबी निभा कर आप लोगों के सामने ये मूवी प्रेजेंट भी की है जो कि काफ़ी अच्छे से आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोग एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ज़ाया नहीं जाएगा बहुत बखूबी ये मूवी आप लोगों के सामने प्रजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस दे ही सकते हैं आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ आगे बढ़ते हैं एंड बात कर लेते हैं यहाँ पर कि इस मूवी की सारी की सारी जो है वो आप लोगों के सामने यहाँ पर डायरेक्शन को किसने संभाला क्योंकि डायरेक्शन काफ़ी ज़्यादा इम्पॉटेंट रोल प्ले करती है हर एक मूवी के लिए हर एक सीरीज के लिए डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है डायरेक्शन काफ़ी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होती है तो यहाँ पर भी इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से हैंडल किया गया है और आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है ये मूवी जिसकी काफी अच्छे तरीके से डायरेक्शन को हैंडल किया गया है तो यहाँ पर इस मूवी की डायरेक्शन को काफ़ी अच्छे से संभाला है जी यहाँ पर मल्लीदी वशिष्ठा ने जिन्होंने काफ़ी अच्छे से इस मूवी की डायरेक्शन को हैंडल करके ये मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की है जो कि बहुत अच्छी मूवी है आप लोगों को डेफिनेटली इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देना ही चाहिए क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट भी की गई है आप लोग इस मूवी को डेफिनेटली एक मरतबा एक चांस तो दे ही सकते हैं काफी अच्छी मूवी है जिसे आप लोगों को एक मरतबा एक चांस देना चाहिए आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी क्योंकि काफी अच्छे से यह मूवी आप लोगों के सामने प्रेजेंट की गई है आप लोग इस मूवी को एक मरतबा एक चांस देंगे तो आप लोगों का चांस ये मूवी ज़ाया नहीं जाने देगी बाकी उसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं एंड बात करते हैं कि इस मूवी की आई रेटिंग क्या है और गूगल के यूज़र्स की से इसे कितने परसेंट तक लाइक किया गया। स्टार्ट किया गया गया स्टार्ट है या नहीं चीज़ तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मूवी जो है वो प्योर हिंदी जुबान की मूवी है एंड इस मूवी को अभी रिलीज नहीं किया गया तो दैट्स वाई ना इसकी आई रेटिंग को स्टार्ट किया गया है और ना ही गूगल के यूजर्स की जानी से कोई भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हुई है जैसे इसे रिलीज किया जाएगा तभी इसकी आई रेटिंग को भी स्टार्ट किया जाएगा और इसे गूगल के यूजर्स की जानब से भी परसेंटेज मिलना स्टार्ट हो जाएगी लेकिन अभी तक ये दोनों ही चीज़ें स्टार्ट नहीं की गई क्योंकि अभी इसे रिलीज नहीं किया गया जल्द ही ये चीज़ भी स्टार्ट कर दी जाएगी लेकिन इसके अंदर आप लोगों को फैंटेसी और एडवेंचर बहुत अच्छे से देखने को मिलेगा तो ये दस जनवरी दो को रिलीज़ की जाएगी और ये प्योर तेलुगु जुबान की मूवी होगी और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को सिनेमा घरों में देखने को मिलेगी